भानु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गो सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाराष्ट्र के चुनाव से देश के हर राजनेता को, वो चाहे किसी भी पार्टी का है, उसको सीख ले लेनी चाहिए कि गाय की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये महाराष्ट्र के चुनावों ने साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जगतगुरु शंकराचार्य जी की साक्षी में, गाय माता को महाराज्य माता, महाराष्ट्र की राज्य माता घोषित किया। चुनाव में परिणाम आए वो आश्चर्य करने वाले हैं। बरसों पुरानी पार्टी शिवसेना मात्र 20 सीटें ला पाई और उसी शिवसेना में से निकले हुए एक रिक्शा ड्राइवर ने, एक टेम्पो चालक ने, ऑटो चालक ने 57 सीटें, उनसे दुगुनी से भी ज्यादा, 3 गुनी के बराबर सीटें ले आई। ये किस कारण? गौ माता को राज्य माता बना देने के कारण। और उनका सहयोग जिन्होंने दिया एनसीपी ने, तो काका जी तो 10 सीटें लाए और भतीजा 41 ले आया। जो गौ के विरोध में थे वो 10 लाए और जो गौ के पक्ष में भतीजा था वो 41 ले आया, यानी कि 4 गुना से भी ऊपर। और कांग्रेस जिसने चर्चा ही नहीं की गाय माता की, वो 16 पर सिमट गई और लगभग 8 गुना अधिक 132 भारतीय जनता पार्टी ले आई वहां पर। हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने एक सच्चाई रख रहे हैं कि एक राज्य ने, एक राज्य के मुखिया ने यह तय कर लिया कि गौ माता राज्य माता बनेगी। महाराष्ट्र में गौ माताओं का वध करने वालों की अब खैर नहीं, उनको फांसी पर चढ़ाने में अब ज्यादा देर नहीं। तो परिणाम आपके सामने है, इसलिए हमारा आग्रह है आपसे, आप जितने भी भाई बहन बेटे सब वोटर हैं आप, हम तो वोट देना जानते नहीं है, हमारा वोटर आईडी भी नहीं बन पाया, 5 साल से कोशिश कर रहे हैं बनता ही नहीं है, सरकार ने भी हमको नकारा घोषित कर रखा है, बिना काम के लोग हैं ये वोट देने लायक भी नहीं है, इनमें सूझबूझ नहीं है, गलत आदमी को वोट देंगे, इस चक्कर से हमारा वोटर आईडी भी नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन आप लोगों को तो इस योग्य बना दिया है कि आप सरकार चुन सकते हो। तो हमारा तो ये कहना है कि अब आगे कोई से भी चुनाव हो, एक ही बात करो कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाने का विचार या संकल्प या बना देने वालों को ही हम वोट देंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कोई बुरी पार्टी अगर गाय माता को राष्ट्र माता बना देगी तो फिर देश का विकास कैसे होगा। हम आपको सीधा सीधा बता दें, कोई भी पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती। भगवान श्री राम कह के गए वाल्मीकि रामायण में कि गाय माता की रक्षा से ही देश का विकास संभव है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो राम जी बड़े कि आप बड़े, पहले तो ये तय कर लो। अगर आप मानते हो कि श्री राम बड़े हैं तो फिर राम की बात मान लेनी चाहिए। इसलिए हमें गाय माता को सम्मान देने वाला, गाय माता को मान देने वाला जो व्यक्ति हो उसी को चुनाव करना चाहिए। और हार्दिक भैया से एक बात कहना चाहेंगे कि संघर्ष लंबा हो सकता है पर परिणाम कभी तो आता है। शंकराचार्य भगवान ने जब ये अभियान छेड़ा, लोगों ने खूब उनके बारे में टीका टिप्पणियां की, बुरा बुरा बोले, उनकी अच्छी बातों के भी 80% हिस्से को हटा के 20% जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हुए ऐसे वीडियो शेयर किए गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, काम करते रहे। गोपाल मणि जी उत्तराखंड वाले बरसों से गो क्रांति मंच के माध्यम से इस काम में लगे रहे कि गाय माता राष्ट्र माता बने। तो इसकी पहली सीढ़ी थी ये,
महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा उसी गौ माता राष्ट्र माता विषय की पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी जिस पर चढ़ चुके हैं और सचमुच भारत विकास चाहता है। आज जो सनातन विरोधी लोग थे अथवा जो लोग सनातन की बात करते थे और सनातन की विचारों को छोड़ करके दूसरी गोद में जा बैठे, आज वो सिमट गए हैं। ये गाय माता ने साबित कर दिया कि जो सनातन धर्म क्या है, जो गाय माता पर विश्वास करे वही सनातन धर्म है। कोई कहते साहब मैं सनाती हूं नहीं हूं लेकिन गाय की बात नहीं करूंगा, मैं गाय तो को तो जानवर मानता हूं लेकिन मैं सनातनी हूं, ये तो वही बात होगी, मेरे पति तो नहीं है लेकिन मैं सुहागिन हूं। कोई स्त्री कह देखी मेरे पति तो नहीं है फिर भी मैं सुहागिन हूं, वही बात हो गई कि नहीं, गाय को तो नहीं मानता पर मैं सनातनी हूं, कैसे हो सकता है। तो हम गाय माता को स्वीकार करके इस आनंद को लें